और रांची से बड़ी खबर आ रही है, संयुक्त वाम दलों की बैठक हुई है। वाम दलों की एकता बनाने पर जोर हो रहा। इस बैठक में वाम दलों के बीच कुछ सीटों पर दोस्ताना संघर्ष हो सकता है। जहां वाम दल नहीं रहेंगे वहां महागठबंधन का सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन बीजेपी को सत्ता से दूर रखना ही प्राथमिकता है। वाम दलों का कहना है जरूरत पड़ने पर फिर संयुक्त रूप से वाम दलों की बैठक होगी। तो वाम दलों की बैठक हुई और बैठक में ये निर्णय लिया गया कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखना उनकी प्राथमिकता है, जरूरत पड़ने पर फिर से संयुक्त रूप से बैठक होगी। वाम दलों की एकता बनाने पर इस बैठक में जोर दिया गया। हालांकि वाम दलों के बीच कुछ सीटों पर दोस्ताना संघर्ष भी हो सकता है, लेकिन जहां वाम दल नहीं रहेंगे वहां महागठबंधन को सपोर्ट किया जाएगा। तो वाम दलों की बैठक हुई और ये संयुक्त रूप से बैठक जिसमें वाम दलों की एकता पर जोर दिया गया। साथ ही ये कहा गया कि बीजेपी को रोकना ही प्राथमिकता है। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने सहयोगी शाहनवाज से। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं शाहनवाज। संयुक्त बैठक हुई वाम दलों की, एक तरफ तो लक्ष्य ये कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है, ये प्राथमिकता तय की गई, लेकिन एकता में कुछ ये डिफरेंसेस जो हैं कि दोस्ताना संघर्ष भी होगा, तो फिर ये कैसी एकता? कि जिस वाम दलों ने जिस एकता की बात की थी विधानसभा चुनाव से पहले, वो एकता तय बिखरती हुई दिख रही है। यही वजह है कि जब आज संयुक्त रूप से वाम दलों की बैठक हुई तो उसमें ये बात स्पष्ट तौर पर नहीं कही गई कि 50 सीटों पर वाम दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैक्सिमम सीटों पर ये कोशिश होगी, वाम दलों के बीच में दोस्ताना संघर्ष नहीं होंगे। उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कहा कि कुछ सीटों पर अभी भी जीत है जिसमें दोस्ताना संघर्ष की नौबत वाम दलों के बीच में है। हालांकि ये बात एक सुर में वाम दलों की तरफ से कही गई कि जो वाम दलों की एक कोशिश है और एक प्रतिबद्धता है कि किसी भी सूरत में भाजपा को सत्ता से दूर रखना है, लिहाजा उसके लिए अगर गठबंधन के साथ भी अगर बात बनती है तो उसके लिए भी वो तैयार हैं। खास बात यह है आरती कि भाजपा माले और मासद की ओर से हेमंत सोरेन से संपर्क पैदा किया है, जिसके बाद कुछ सीटों पर सहमति बनती हुई दिख रही है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या वो सीटें कामयाब हो पाती है या नहीं। दरअसल सीपीआई और सीपीएम की ये कोशिश है कि महागठबंधन से बात बने, लेकिन वो बात बनती हुई नहीं दिख रही है। लिहाजा यही वजह है कि पिछले दिनों सीपीआई ने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और 8 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। इसी तरह आज वृंदा करात भी रांची पहुंच रही है, जो सीपीएम के पॉलिट ब्यूरो सदस्य और झारखंड पार्टी की प्रभारी है। उनका भी ये स्पष्ट मानना है कि अगर महागठबंधन सीपीएम की बात नहीं बनती है तो ये कोशिश होगी कि मैक्सिमम सीटों पर सीपीएम चुनाव लड़े और ज्यादा से ज्यादा जो वाम दल के जो उम्मीदवार है वो जीत कर विधानसभा पहुंचे, ताकि जो वाम दलों की जो आवाज है, उनका जो संघर्ष का क्षेत्र है, उनके पार्टी का विस्तार मैक्सिमम हो सके। जी जी शाहनवाज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाम दलों की बैठक हुई और एकता पर जोर दिया गया, साथ ही बीजेपी को सत्ता से दूर रखना प्राथमिकता है, इस पर चर्चा की गई।